नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉली फ्राई। सैफ अली खान और अलाया स्टारर फिल्म जवानी जानेमन शुक्रवार को रिलीज हो गई है। फिल्म को नितिन कक्कड़ ने डायरेक्ट किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर थोड़ी धीमी शुरुआत हुई है। फिल्म ने पहले दिन 2.5 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। बता दें कि फिल्म ट्रेड एनालिस्ट गिरीश जौहर का अनुमान था कि जवानी जानेमन पहले दिन 3 से 4 करोड़ रुपए कमा सकती है। खैर, फिल्म को क्रिटिक से अच्छे रिव्यू मिले हैं और फिल्म के वीकेंड पर अच्छा कमाई करने की उम्मीदें हैं। साथ ही फिल्म को वर्ड ऑफ माउथ का फायदा भी मिल रहा है। इस मूवी में सैफ दिल फेंक आशिक का रोल प्ले कर रहे हैं। इससे पहले वे कॉकटेल और लव आजकल में ऐसा किरदार निभा चुके हैं। सैफ की इन दोनों ही फिल्मों को अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। फिल्म की कहानी जैज यानी जसविंदर सिंह की है। जैज एक रियल एस्टेट एजेंट है। जैज 40 साल का आदमी है जो अपनी जवानी के दिनों से आगे ही नहीं बढ़ पा रहा है। उसे अपनी जवानी और आजादी से प्यार है, इसलिए वो अपनी जिंदगी को कूल रखने के लिए जिम्मेदारियों से दूर रहता है और अयाशियां करता है। जैज की जिंदगी में ट्विस्ट तब आता है जब एंट्री होती है टिया की। 21 साल की टिया जैज की जिंदगी में भूचाल ला देती है जब जैज को पता चलता है कि वो टिया का बाप है और टिया अपने बॉयफ्रेंड के बच्चे की माँ बनने वाली है। उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। इसी के साथ फिल्म में तमाम ट्विस्ट एंड टर्न्स शुरू होते हैं। boxofficeindia.com के मुताबिक भी सैफ अली खान और अलाया की ये फिल्म जवानी जानेमन पहले दिन दर्शकों को लुभाने में कामयाब नहीं हो पाई है। इस फिल्म ने पहले दिन केवल 2.5 से 3 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। वहीं फिल्म की कहानी की बात करें तो जवानी जानेमन की कहानी जसविंदर सिंह उर्फ जैज यानी की सैफ अली खान की है। जैज लंदन में रहता है और रियल एस्टेट ब्रोकर है। अगर जवानी जानेमन की बजट की बात करें तो इस फिल्म को 40 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। और इस मूवी के लिए बुरी खबर ये है कि बॉक्स ऑफिस पर अभी भी इसकी टक्कर अजय देवगन की फिल्म तानाजी और वरुण धवन की स्ट्रीट डांसर 3D से हो रही है। वहीं बॉक्स ऑफिस पर पंगा मूवी से इस मूवी को कोई ज्यादा खतरा नहीं है, क्योंकि पंगा को ऑलरेडी 1 हफ्ते में ही दर्शक नकार चुके हैं।